आपको मौका दिया है और ये तीसरी बार आपको मौका दिया है प्रत्याशी के कहाँ थे वो इतने दिन, कहाँ थे वो इतने साल, क्यों नहीं अपनी मौजूदगी यहाँ पर दर्ज की उन्होंने, ये पूछ रहे हैं। क्यों तलाश गुमशुदा के पोस्टर यहाँ पर हमेशा लग गए? देखिए, जो सांसद होते हैं उनका एक दायित्व होता है कि लोगों के बीच में बैठे रहें। देखिए, हमारे पास पटना साहिब के लिए एक सकारात्मक एजेंडा लेके आए हैं और मैं पूछना चाहता हूँ वर्तमान सांसद जी से, और पूरा शहर पूछ रहा है, यहाँ की जनता पूछ रही है कि कहाँ थे वो इतने दिन, कहाँ थे वो इतने साल, क्यों नहीं अपनी मौजूदगी यहाँ पर दर्ज की उन्होंने, ये पूछ रहे हैं। क्यों तलाश गुमशुदा के पोस्टर यहाँ पर हमेशा लग गए? देखिए, जो सांसद होते हैं उनका एक दायित्व होता है कि लोगों के बीच में बैठे रहे। मेरा ये वादा है, मैं पटना का बेटा हूँ, मेरा ये वादा है कि मैं उनके बीच में मैं रहता आया हूँ और रहूँगा। और इस बारे में मेरी पृष्ठभूमि की पुष्टि वो कर चुके हैं, जो मेरे नाना जी हैं या दादी जी हैं या माँ हैं, यही रही और यही सेवा की, तो वो समर्पण भाव मैं लेके आया हूँ, मैं यहीं का हूँ, यहीं रहूँगा, मैं यहाँ का बेटा हूँ, नेता नहीं। महागठबंधन का और कांग्रेस का एक सकारात्मक एजेंडा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो शिक्षित लोग हैं उनको नौकरी देंगे, पहली नौकरी गारंटी है, और जो महिलाएं हैं 1,00,000 रुपए भी लेंगी। ऐसा कभी योजना पहले कभी नहीं हुई, क्योंकि ऐसे माहौल में, ऐसे आर्थिक विषमताओं में, ऐसे संकट में महिलाओं को राहत मिलना बहुत जरूरी है। किसानों के लिए योजना है, सामाजिक न्याय के लिए योजना है, MSK के बारे में है, MNREGA की भी योजना है, समाज के सब वर्ग के लिए हम एक महत्वपूर्ण योजना लेके आए हैं, एक सकारात्मक योजना लेके आए हैं। हमारी ये गारंटी है, गारंटी मतलब ये मंजिल तक पहुंचाएंगे। और इसकी बात की भी पुष्टि हो चुकी है कर्नाटक में या तेलंगाना में, जो हम कहते हैं वो करते हैं।